मन में बैठे राम और रावण का द्वंद्व। यह कहानी एक साधारण टैक्सी चालक नरेंद्र से संबंधित है। नरेंद्र मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। एक दिन नरेंद्र की टैक्सी में जम्मू का निवासी बैठा, जिसे एयरपोर्ट से पहाड़गंज तक जाना था। देवेंद्र ने उसको पहाड़गंज छोड़ा, अपना किराया वसूला और वापस टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़े। इसी बीच उनकी नज़र गाड़ी में पड़े एक बैग पर गई। बैग को देखकर नरेंद्र समझ गए कि यह उसी सवारी का बैग है, जिसे कुछ ही समय पहले वह पहाड़गंज छोड़कर आए हैं। बैग को खोलकर देखा तो उसमें कुछ स्वर्ण आभूषण, एक एप्पल का लैपटॉप, एक कैमरा और कुछ नगद पैसे थे। सब कुछ मिला के लगभग 7 या 8 लाख का सामान था। नरेंद्र की आंखों के सामने अपनी टैक्सी के फाइनेंसर की तस्वीर आ गई। इतने आभूषण बेच कर तो उनकी टैक्सी का कर्ज आसानी से उतर सकता था। एकदम से प्रसन्न हो उठे। उनके मन में बैठा रावण जाग उठा। पराया माल अपना लगने लगा। परंतु जीवन की यही तो विडंबना है। मन में राम और रावण दोनों निवास करते हैं। कुछ ही दूर गए थे कि मन में बैठे राम जाग उठे। नरेंद्र को लगा कि वह कैसा पाप करने जा रहे थे। नैतिकता आड़े आ गई। बड़ी दुविधा थी। एक ओर आभूषण सामने पड़े थे और दूसरी ओर अपनी अंतरात्मा खुद को ही धिक्कार रही थी। कुछ देर अंतर मन में राम और रावण का द्वंद्व चला, पर अंत में विजय राम की ही हुई। नरेंद्र पास के पुलिस स्टेशन गए और ड्यूटी पर मौजूद थानेदार के हाथ में बैग थमा दिया। अब थानेदार कभी बैग में पड़े आभूषण देखे और कभी ड्राइवर नरेंद्र का चेहरा देखे। थानेदार ने कहा कि तू अगर चाहता तो यह बैग लेकर भाग सकता था। नरेंद्र ने जवाब दिया, साहब हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं हैं। थानेदार भी निशब्द हो गया। उसे लगा कि ड्राइवर सच में गरीब तो है किंतु ईमानदार है। खैर, सवारी को उसका बैग सकुशल वापस मिल गया। नरेंद्र की ईमानदारी के इनाम के रूप में मालिक ने उसे कुछ रुपए देने की पेशकश की तो नरेंद्र ने साफ मना कर दिया। असली कथा आगे शुरू होती है। थानेदार ने नरेंद्र की ईमानदारी की गाथा एक मीडिया कर्मी के आगे सुना दी। मीडिया कर्मी भी थानेदार की तरह प्रभावित हो गया। उसने इस ईमानदारी की खबर अखबार में छापने की ठान ली। वह नरेंद्र से मिला और उसका साक्षात्कार लेते हुए पूछा, अगर बैग में पड़े सामान की कीमत 8 लाख रुपए उसे मिल जाए तो वह क्या करेगा। नरेंद्र ने कहा कि पहले तो फाइनेंसर का कर्जा चुकाऊंगा और फिर अगर संभव हुआ तो एक टैक्सी खरीदेंगे। रिपोर्टर ने कहा कि तेरे सर पर कर्ज है तो तू बैग लेकर भाग क्यों नहीं गया। नरेंद्र ने रिपोर्टर से भी यही कहा कि साहब हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं हैं। थानेदार की तरह अब रिपोर्टर भी प्रभावित हुआ। रिपोर्टर ने उसकी ईमानदारी की गाथा एफएम चैनल के एक रेडियो जॉकी को बताई। एफएम रेडियो के जरिए नरेंद्र की कहानी दिल्ली वासियों को सुना दी गई। साथ ही साथ दिल्ली वालों को नरेंद्र के कर्ज के विषय में भी बताया गया। कुछ लोगों के आग्रह पर नरेंद्र का एक बैंक खाता नंबर भी रेडियो जॉकी को दे दिया गया, जिसमें धनराशि डालकर वह ईमानदार नरेंद्र का कर्ज उतारने में उसकी मदद कर सकते थे। केवल 2 घंटे बाद ही, मात्र 120 मिनट में दिल्ली ने नरेंद्र के खाते में 95,777 रुपये डलवा दिए और 8 लाख रुपए मिल गए मात्र अगले 2 दिन में। सब ने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया। दिल वालों की दिल्ली ने नरेंद्र की ईमानदारी के उपहार में उसे ऋण मुक्त कर दिया। लाखों लोगों ने उसकी ईमानदारी को सराहा। नरेंद्र आज भी कहते हैं कि मन के रावण को राम पर हावी ना होने देना उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अगर वह बैग लेकर भाग जाते तो कर्जा तो उतार लेते, पर
पर खुद को जीवन भर माफ नहीं कर पाते। इस कहानी ने भी यह सच सिद्ध कर दिया कि मन में बैठा रावण आज की व्यवस्था में हावी है, परंतु मन में बैठे राम आज भी दशानन का वध करने में सक्षम हैं। अच्छाई और बुराई में आज भी धागे भर का फासला है, इस ओर गए तो राम और उस ओर गए तो रावण। गरीब ड्राइवर नरेंद्र ने दिल की सुनी और दिमाग के तर्क को नकार दिया। अपने संस्कार से सिद्ध किया कि किसी और के परिश्रम से अर्जित धन को हड़पने से धन नहीं आता, सत्य निष्ठा ही जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकती है। यह कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।